हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आज है शादी से एक दिन पहले वाला दिन। इतने तो नहीं हैगा टिशू, टॉयलेट रोल भी सारे खत्म हो गए हैं। मेरा टिशू वाला पर्स अंदर आके गए सारे जने, वो लॉक लाक चल गए। की करना सी टिशू तुसे? लिफाफा ही देखना पड़ना। और घर पे अब थोड़े से ही लोग हैं, बाकी मेरी मम्मी, मेरी मासी ये सब गए हैं शादी पे। एक और शादी का इनविटेशन था तो मेरे को भी जाना था, लेकिन मेरी गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है, उसको है खांसी जुकाम, इसलिए मैंने जाना कैंसिल कर दिया और मैं यहीं घर पे रुक गई कि चलो एक दिन और अच्छी रेस्ट मिल जाएगी तो ठीक हो जाएगी। कल तक मेडिसिन वगैरह इसने ले ली है। अभी हम दोनों माँ बेटी रूम में अंदर मजे कर रहे हैं दोनों जाने, है ना दिशिका? मामू बाहर है, मेरा भाई भी नहीं गया शादी में, वो मेरे पास रुक गया, और हम तीनों जाने हैं वो रूम में। ठीक है, हाय गाइस, हम सो रहे हैं। अब हम सो रहे हैं क्योंकि कोई काम तो है नहीं, तो मैंने कहा थोड़ा आराम करते हैं, है ना, क्योंकि बाहर जाएगी ठंड लगेगी फिर से और जुकाम ज्यादा होगा, इसलिए बेटर यही है कि हम रूम में रुके और रेस्ट करें, है ना ऋषिका? वैसे में ना मेरा मेहंदी पहली वाली शादी में लगाने वाला डिसीजन जो था ना, वो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहा। वैसे मैं सोच रही थी मैं इस शादी में मेहंदी लगवाऊंगी, बट मैंने इससे पहली वाली शादी में मेहंदी लगा के बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर मैं ये डिसीजन पेंडिंग रखती ना, तो जैसे अब इसे कोल्ड हो गया पिछले, आज इसके कोल्ड को है, इसके कोल्ड को हो गया, कोल्ड हुआ था इसको ट्यूसडे शादी थी, हाँ वेडनेसडे रात को, आधी रात को इसको हो गया था, तो आज है सैटरडे, तो आप खुद देख लो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आज चौथा दिन है, फिर भी इसे काफ़ी कोल्ड है अभी भी, क्योंकि सर्दी बहुत है। तो अच्छा किया मैंने तभी लगवा ली, अगर मैं अब लगवाती ना तो इसको देखना मुश्किल हो जाता, तो या फिर मेरी मेहंदी कैंसिल होती। तो चलो जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो अगर कुछ आज के दिन स्पेशल होगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, वरना कल शादी की वीडियो। ठीक है, बाय बाय, बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, हम भी से आएंगे। ये पता नहीं इसके हाथ पे क्या हो गया, दिखा ऋषिका, ऐसे नहीं ऐसे, ये देखो ऐसे टेढ़ा करना, दिखा ऐसे करके ऐसे, ये देखो पता नहीं दोनों हाथ पे पता नहीं मच्छर लड़ गया, मच्छर ने इसको काट लिया, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन कुछ रेड रेड सा हो गया इसके हाथ पे, दूसरे हैंड पे भी है, दिखा दूसरे हैंड पे भी है ना, हाँ दूसरे हैंड पे भी है, मच्छर काटी, ये देखो मच्छर ने काट लिया, पता नहीं क्या हुआ। चलो शादी वाले घर में ऐसा थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। बाय बाय, बाय बाय। यहाँ पे मेरी मम्मी, मेरी मासियाँ, मेरे मामा जी, और यहाँ पे मतलब सब जो शादी पे गए थे वो सब वापस आ चुके हैं, और यहाँ पे रस्म चल रही है कि जो नानके की तरफ से जो भी शगुन आता है यहाँ पे वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और यहाँ है नेक्स्ट डे, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मतलब रेडी होते टाइम मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सारे मतलब इकट्ठे थे, और इतना ज़्यादा ना क्योस हो जाता है कि आप सब कुछ शूट नहीं कर पाते हो। तो तैयार शैयार होके हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे जहाँ पे चल रही है सेराबंदी वाली रस्म, और साथ में ना वो हार डाले जाते हैं लड़के के गले में और उसका साथ जो सरबाला होता है उसके गले में। तो यहाँ मेरी मासी और मास्टर जी दोनों फ़ोटो करवा रहे हैं, मतलब लड़के के मम्मी पापा। तो इसके बाद उनके और भी रिलेटिव आएंगे जो ये सेम ऐसे ही हार जो है वो दोनों के गले में डालेंगे। और साथ के साथ यहाँ पे अब दूल्हे राजा को घोड़ी पे बिठाया जाएगा, और जो बहनें हैं ना वो यहाँ पे घोड़ी को चना खिलाएंगी, ये भी शगुन ही होता है यहाँ पे, आई थिंक हर जगह होता है ये शगुन,
कि घोड़े को ना चने खिलाते हैं और जो घोड़े की लाग होती है ना, जिससे घोड़े को पकड़ के, घोड़ी को मतलब पकड़ के चलाया जाता है ना, तो उसको सजाया जाता है, उसमें रिबन बांधे जाते हैं। तो देखना आगे वो सारी रस्म आपको दिखाई देगी। बस मत कर ऋषि का, बाल छोड़ दे, बाल छोड़ दे मम्मा के, नहीं दूध भी दो, बाय। नहीं शाफ्त है, नहीं शाफ्त है। देखा, देख शाफ्त है ये, देख एकदम क्लीन है, कुछ भी नहीं है, नोज भी साफ है, देख। शाइन कर रहा है, काला नहीं है बाल से। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं ना डायरेक्ट जो है ना वो पैलेस आ चुकी हूँ। मैं गुरुद्वारा साहिब नहीं गई, तो इस यादी पे मैंने जो लामा वाली रस्म है ना वो नहीं देखी थी, क्योंकि मैं जिस कार में थी, मतलब अपनी भाई भाभी की कार में थी ना, तो वो सीधा पैलेस ही आए। तो मेरी मम्मी, मेरा क्या कहते हैं, मेरी सिस्टर, वो सब दूसरी कार में थे, तो वो वहाँ से डायरेक्ट गुरुद्वारा साहिब चले गए। एक्चुअली ना मेरी भाई भाभी की जो डॉटर है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको काफ़ी सारी वॉमिटिंग्स आ रही थी, क्योंकि ठंड बहुत थी यहाँ पे ना, उसको भी ठंड लग गई थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि सीधा पैलेस चलते हैं, वहाँ जाके आराम से बैठेंगे और बच्चों को कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। तो मैंने भी एग्री किया, क्योंकि मेरी भी डॉटर ठीक नहीं थी, मैंने इसी व्लॉग में बताया कि उसको भी काफ़ी खांसी और जुकाम था, तो यही ठीक था कि हम लोग पैलेस चलते हैं। ठंड बहुत ज्यादा है, ठंडी है ना, हैगी ठंड, मैं ताई मोटी पाली लेंगे तुमको, बर्फ बन जानी सी नहीं था। पैलेस की ना डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था सारा एरिया, मतलब इनसाइड और आउटसाइड दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से ना डेकोरेट किए गए थे। मैं कहने लगी थी डायरेक्ट किए गए थे। तो यहाँ हमने अपना खाना पीना स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले खाए पकौड़े, फिर खाए टिक्की और उसके बाद खाया डोसा। ये सब अभी हम खा ही रहे थे कि उस थोड़ी देर बाद मेरी सिस्टर आ गई, ये देखो दोनों बच्चे बैठे हुए, और मैंने बोला था कि मैं इनको टॉय नहीं लेके दूंगी, फिर भी लेके दे दिए। तो यहाँ पे बारात भी आ चुकी थी और देखो सब कितने मज़े से इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। लेकिन वही ना, जब बच्चा ठीक नहीं होता और आपको अपने बच्चे के साथ रहना होता, तो उस चक्कर में ना आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाते हो। इस शादी पे ना मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, ना अपनी सिस्टर को ले पाई, ना मतलब मम्मी भाई किसी को नहीं लिया, क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन जो था ना वो मेरी डॉटर के पास था। मैं उसको एक ही जगह पे बिठाने के लिए ना उसको फ़ोन दे रही थी ताकि वो देख ले और अपने कार्टून वगैरह देखे और इधर उधर ना भागे।
और इसी चक्कर में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और ये मैंने थोड़ा सा बीच में शॉट लिया क्योंकि वो अपनी मासी के पास थी और मैंने सोचा कुछ हल्का फुल्का सा मैं ना कुछ शूट कर लूँ। और बस थोड़ा बहुत हम लोगों ने ना लंच भी नहीं किया और वहीं से सीधा हम लोग घर वापसी आ गए, क्योंकि यहाँ पे ना ऋषि का आप देख भी सकते हो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ना थोड़ा सा अजीब सा ही फील कर रही थी। तो मैंने मम्मी को बोला कि हम लोग चलते हैं घर पे, आप यहाँ पे इंजॉय करो और आप लोग मासी के साथ आ जाना, मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के साथ यहीं से। हेलो जी, तो हम आ गए हैं घर वापस, लेकिन अभी फंक्शन वहाँ पे चल रहा है, लेकिन मेरी डॉटर का गला बहुत ज़्यादा पेन करने लग गया था इसलिए मैं अपनी सिस्टर के साथ वापस आ गई हूँ। मम्मी अभी भी वहीं पे है क्योंकि वहाँ पे फंक्शंस अभी चल रहे हैं। इसको मैंने आते गर्म पानी दिया है और इसको कुछ ना कुछ बना के देती हूँ जिससे इसको ना थोड़ा गले को रिलैक्स मिले।